नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी का यहाँ पर सप्लीमेंट्री का फॉर्म फिल कर रहे हो, और अगर आपका पेमेंट अटक चुका है तो कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा किस तरीके से सक्सेसफुल करना है। आपको दोबारा यहाँ पर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप किसी प्रकार के निश्चिंत रहिए, उसी से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, तो कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सप्लीमेंट्री के फॉर्म में जो पेमेंट है वो किस तरीके से यहाँ पर सक्सेसफुल करना है। पेमेंट डन यहाँ पर करना है, पेमेंट नॉट डन यहाँ पर आ रहा होगा आपके पास में, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं कोटा यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे और कुछ इस तरीके से मेन वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। मेन वेबसाइट पर जाके आपको कुछ यहाँ पर आ जाना होगा, एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट पर आपको जाना होगा, ये पेज आ जाएगा। इस पेज पे आने के बाद में आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम 2022 यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, जहाँ से फॉर्म फिल करते हैं उसी पर क्लिक करना होगा। कुछ इस तरीके से आपके सामने पैनल आ जाता है जिसमें आपको अप्लाई फॉर सप्लीमेंट्री फॉर्म 2022 से आपने अप्लाई किया होगा, रिप्रिंट सप्लीमेंट्री फॉर्म है वो आप यहाँ पर जब ले पाएंगे जब आपका पेमेंट कम्प्लीट हो जाएगा। चेक चालान पेमेंट स्टेटस है वो आप चेक कर रहे होंगे, यहाँ पर नोट डन आ रहा होगा, बट यहाँ पर जो है स्टेप बाई स्टेप आपको कंप्लीट देखना है, ताकि जो मैं प्रोसेस में आपको बताऊँ किस तरीके से आपको चेक करना है, क्या क्या प्रोसेस अपनाना है, वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और अगर किसी भी स्टेप को आप अगर छोड़ते हो तो आपको देखिए पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। तो कंप्लीट देखना है और पूरा स्टेप बाई स्टेप जो मैं प्रोसेस अपना रहा हूँ वही प्रोसेस आपको दोहराना है। तो लास्ट में सर्च चालान फॉरम नंबर पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले लास्ट में जो सर्च चालान फॉरम नंबर है उस पर आपको क्लिक करना है और आपकी डिटेल यहाँ पर डालना होगा, आपका नाम यहाँ पर डालना होगा, फादर्स नेम यहाँ पर डालना होगा, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसीड पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जैसे कि मैं सभी डिटेल फिल कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जैसे कि सभी डिटेल मैंने फिल कर लिए, इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर चालान नंबर आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ आपको चालान नंबर, सभी चालान नंबर देखने को मिलेगा, उसी तरफ बात करूँ तो आपको यहाँ पर फीस स्टेटस का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो उस पर यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट नॉट डन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्या देखने को मिल रहा है, पेमेंट नॉट डन यहाँ पर सभी पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी आपका पेमेंट अभी तक कोई सा भी जो आपने सक्सेस किया उसमें से एक भी यहाँ पर जो है वो चालान यहाँ पर सक्सेसफुल डन नहीं हुआ है। अगर आपके पास में यहाँ पर सक्सेसफुल डन आ रहा है तो आपको वो चालान नंबर आपको उठाना है, जैसे कि मान लीजिए ये चालान नंबर आपको यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर डन आ रहा है, तो आपको ये चालान नंबर उठाना है और आपको फॉर्म प्रिंट कर लेना है। बट यहाँ पर जो है वो चालान यहाँ पर जो है वो नहीं दिखा रहा है सक्सेसफुल, तो आपको किस तरीके से करना है वो यहाँ पर बताता हूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जो जितने भी चालान आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, ये आपको इसका क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर नोट डाउन कर लेना है, कुछ भी कर लेना है, लेकिन सभी को सीरियल वाइज इसी तरीके से आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। जैसे कि मैं इसकी यहाँ पर जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जो भी है, और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, नोट डाउन करने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर बैक आना है, वापस से क्या आना है, बैक आना है, और बैक आने के बाद में जो है वो वापस और बैक करना है, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में चेक चालान पेमेंट स्टेटस का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो आपका चालान नंबर, जो जितने भी चालान नंबर थे, सबसे पहले जो पहला चालान नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। चालान नंबर डालने के बाद में जो है वो आपको क्या करना होगा, चालान नंबर पहला जो चालान नंबर है वो यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद में चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस पर क्लिक करना है। हमारे सामने यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन यहाँ पर आ रहा है, नॉट डन यहाँ पर ट्रांजैक्शन नॉट डन। आपको क्या करना है, वेरीफाई चालान पर क्लिक करना है और वेरीफाई करना है, इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारा होता है या नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हो ट्रांजैक्शन नॉट डन यहाँ पर आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको वापस से फिर आना है, होम पेज पे आ जाना होगा। होम पेज पे आने के बाद में फिर से आपको यहाँ पर चेक चालान पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो सेकंड चालान है क्या है, सेकंड चालान है जो चालान नंबर है, सेकंड चालान नंबर वो आपको यहाँ पर डालना है। आपको पहले वाला जो था वो नहीं डालना है, उसके बाद का यहाँ पर डालना है। सीरियल वाइज सभी को डाल डाल के यहाँ पर जो है हमें वेरीफाई करना है। उसके बाद में चेक चालान पर क्लिक करेंगे, फिर से वेरीफाई चालान पर क्लिक करेंगे और वही प्रोसेस आपको चेक करना है, जैसे कि क्या आ रहा है यहाँ पर नॉट डन आ रहा है, फिर से होम पर क्लिक करेंगे, फिर आपको जो थर्ड आ रहा है वो थर्ड आपका जो चालान नंबर है वो यहाँ पर डालते हैं। जैसे कि मैंने थर्ड यहाँ पर चालान नंबर डाल दिया, इसके बाद में फिर से वही प्रोसेस अपनाना है। यहाँ पर सभी का नोट डन यहाँ पर आ रहा है ट्रांजेक्शन, तो आपको यहाँ पर वेरीफाई चालान करना है, सभी चालान नंबर्स को डाल डाल के आपको यहाँ पर जो है वो पेमेंट यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो आपका ये भी नहीं हुआ, इसके बाद में फोर्थ नंबर का जो भी आ रहा है वो फोर्थ नंबर का मैं डालता हूँ। जैसे कि जो फोर्थ नंबर का आ रहा है वो यहाँ पर डालता हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया, फिर से यहाँ पर वेरीफाई चालान पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो ये भी हमारा जो है वो नहीं हो पाया। चलिए वापस से और जाते हैं फिफ्थ नंबर पे, और ये देखिए
देखते हैं यहाँ पर जो है सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, ये भी नहीं हुआ। अब हमारे पास में लास्ट चाला नंबर बच चुका है, लास्ट रह चुका है, तो लास्ट रह चुका है तो लास्ट भी यहाँ पर डाल देंगे। ये लास्ट भी हम यहाँ पर डाल रहे हैं, लास्ट चाला नंबर है, देखते हैं होता है या नहीं होता है। ये भी हमारा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या है, चालान आपने वेरीफाई यहाँ पर कर चुके हैं, वेरीफाई पर जाके आपने वेरीफाई कर चुका है, बट यहाँ पर जो है वो आपका जो है यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल डन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद में जो है पेमेंट सक्सेसफुल डन हो जाएगा। वही प्रोसेस अपनाना है, सर्च चालान पर क्लिक करके आपको सभी चालान देखने हैं कि कौन सा सक्सेसफुल डन हुआ है या नहीं हुआ है, वो चेक करना है। तो आपका क्या होगा, आपको एक यहाँ पर पेमेंट डन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सक्सेसफुल, और वही चालान नंबर आपको लेने हैं, और यहाँ पर जो है वो आपको वो प्रिंट पर क्लिक करके आपको वो नोट डाउन करके प्रिंट ले लेना है। फिलहाल आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, पहली बार आपको वेरीफाई करना होगा, ताकि जो वेरीफाई होने के बाद में कुछ टाइम लगता है, कभी कभी तुरंत हो जाता है, कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 10 घंटे भी लग सकते हैं, मतलब नॉर्मल टाइमिंग लगता है, लेकिन वेरीफाई करना ज़रूरी है, आपको चालान वेरीफाई करना ज़रूरी है, उसके बाद में ही वेरीफाई होगा वो चालान। तो गाइस यहाँ पर कुछ टाइम वेट करने के बाद में 3 घंटे के बाद में यहाँ पर जो है वो चालान वेरिफिकेशन हो चुका है। तो यहाँ पर चेक चालान पेमेंट स्टेटस पर जाएंगे, और यहाँ पर जो चालान नंबर यहाँ पर अभी वही था, उनमें से एक चालान यहाँ पर जो है वो कंप्लीट वेरीफाइड हो चुका है। तो चालान नंबर मैं डाल रहा हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ। तो चालान नंबर डाल दिया है, इसके बाद में चेक चालान ट्रांजेक्शन स्टेटस पर क्लिक करेंगे, और हमारा जो है चालान यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। तो गाइस इसी तरीके से आपका भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी, बट आपको वेरीफाई करना होगा अगर पेमेंट कट चुका है तो। फिलहाल दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, अब जाइए आपका जो फॉर्म नंबर है वो चालान नंबर वहाँ पर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, और अपना जो है वो आप प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से निकालना है, तो आप यहाँ पर यहाँ से आप निकाल सकते हो, रिप्रिंट पर से आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना होगा, चालान नंबर डालना होगा, और उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करके आपका एग्जाम फॉरम में सप्लीमेंट्री का वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करें, साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।